आज प्रियंका ने वरुण के बयान पर कोई जवाब नहीं दिया, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन आज मेनका गांधी बोली। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मेनका गांधी से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं मेनका की बात। पांचवा मतदान है, हमारे साथ है बातचीत करने के लिए पीलीभीत से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी। मेनका जी, आप पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं इस बार, पिछली बार वरुण गांधी ने चुनाव लड़ा था, उससे पहले आपने लड़ा था, आप एक बार फिर से वापसी कर रही हैं पीलीभीत से, कैसे देखा जाए? मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि पीलीभीत से हमेशा मैं लड़ती थी, तो एक दफ़ा वरुण लड़ना चाह रहे थे तो मैंने उनको सीट दे करके पड़ोस में चली गई, अब मैं अपने घर वापस आ गई। वरुण गांधी को सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं, सुल्तानपुर जो है ये कहा जाता है कि कांग्रेस की डोमिनेटेड सीट है और वहाँ से जो संजय गांधी हैं वो चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे हैं, क्या इसीलिए वरुण गांधी गए हैं कि उनका जो उनके पिता की सीट रही है वो उसको एक बार जीतें और दिखाएं कि गांधी फैमिली में भी वरुण गांधी हैं जो वहाँ से चुनाव जीते? मुझे नहीं मालूम कि गांधी फैमिली में उनको कुछ वापस आने की ज़रूरत है लड़ने से, वो हैं गांधी, लेकिन हाँ वो चाहते थे कि अपने पिता की सीट पर जाएं और हालांकि मुश्किल सीट है वो बहुत खुशी से गए और वहाँ बहुत प्यार से उन्होंने उनका सराहना किया। मैम, बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, ऐसे में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको सीट चेंज करने पड़ रही है, वरुण गांधी खुद पीलीभीत से लड़ रहे हैं, पीलीभीत छोड़कर सुल्तानपुर जा रहे हैं, गाजियाबाद से जो है वो राजनाथ सिंह को सीट छोड़ने के लखनऊ जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है या लोग सिर्फ लहर की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी को सीट बदलना पड़ नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी से सीटें पर जा रहे हैं और इनफैक्ट दाद देना चाहिए कि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब मुश्किल सीटों पर खुद ब खुद जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सब खुद आराम से जीतेंगे। मैम, राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, वो एक गुब्बारा है, उसमें हवा है, वो जल्दी ही जो है गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। जी, अब इसका क्या जवाब दूँ मैं? इसका कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, राहुल ने जो बोला सो बोला। सोनिया गांधी को खुद से कैंपेन में पीछे थी, राहुल गांधी कैंपेन को लीड कर रहे थे इस लोकसभा चुनाव में, परसों सोनिया गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश सारे टेलीविजन चैनल्स के जरिए देने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो कैंपेन में पिछड़ गए हैं नरेंद्र मोदी से, इसलिए अब मोर्चा सोनिया गांधी को संभालना पड़ा? हिमांशु जी, कांग्रेस क्या करती है, कौन लीड करता है, कौन लीड नहीं करता है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अपनी सीट में हूँ, कांग्रेस नहीं जीतने वाली, चाहे कोई भी लीड करे चाहे कोई भी ना लीड करे, इस दफ़ा भाजपा और हमारा जो फ्रंट है वो जीतेगा, अब मुझे क्या परवाह वो क्या बोले क्या नहीं बोले। मैम, वरुण गांधी को लेकर रायबरेली के अंदर खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके जो भाई हैं सात वाली सीट से लड़ रहे हैं वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, जनता उनको ठीक रास्ते पे ले आएगी, तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता उनको ठीक रास्ते पर ही ले आई है। बाद में वरुण ने अपने एक राजनीतिक दिखाया कि वो कितने परिपक्व हैं राजनीति के अंदर, उन्होंने खुद कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी ना समझे लोग और वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि वरुण प्रियंका से जो है वाद विवाद नहीं चाहते? कोई वाद विवाद नहीं चाहते हैं किसी और के साथ, अब वरुण बहुत मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट इंसान है, वो अपना इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं और मेरी ये सलाह होगी सबको कि वो अपने अपने इलेक्शन अगर लड़ ले तो अच्छा होगा। प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि बात दो विचारधाराओं की है, दो विचारधारा काम कर रही है, एक तोड़ने वाली और एक जो गोडसे की विचारधारा वो, और दूसरी जोड़ने की विचारधारा उनकी है। तो ये कौन सा जोड़ रहे हैं, ये क्या जोड़ रहे हैं, अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि वो क्या जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो देश को जोड़ने की बात करती है, बाकी जो बीजेपी की विचारधारा है वो तोड़ने वाली विचारधारा है, वो गोडसे की विचारधारा है। अब मैंने आपको पहले भी बोला ना कि जब इंसान हार रहा होता है तो वो बहुत चीज़ें बोलता है जो बाद में उसको खुद आश्चर्य होगा अपने आप पर, लेकिन हार और हार की डर बहुत लोगों से बहुत चीज़ें बुलवाते हैं, तो इसी से ही हम लोग छोड़े इस पर। इसी हार के डर की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वरुण गांधी पे आपको लगता है कि लगातार हमले कर रहे हैं? लास्ट सवाल, मुझे लगता है कि उनको हमले नहीं करना चाहिए, उनको अपना इलेक्शन, उनका इलेक्शन बहुत मुश्किल है इस दफ़ा,
तो अपना इलेक्शन खुशी खुशी लड़े और वरुण को अपने इलेक्शन को खुशी खुशी लड़ने दें तो अच्छा होगा। तो ये थी मेनका गांधी जो साफ साफ कह रही हैं कि जब कोई इलेक्शन हार रहा होता है तो वो इसी तरीके से जो है हमले करता है। कैमरामैन शिशिर के साथ हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, पीलीभीत। मेनका गांधी उन नेताओं में से हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का आर्ट बहुत अच्छे से आता है। वो लगातार कई इलेक्शन जीती हैं और वो कई बार लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं कि मेनका गांधी एक के बाद एक लोकसभा के चुनाव कैसे जीतती रहती हैं।